मारुति ने अभी हाल ही में बलेनो के ऊपर बेस्ड एक क्रॉसओवर फ्रॉन्क्स को लॉन्च करा है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको इसी गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपको ये समझने में काफी आसानी हो जाए कि ये गाड़ी आपके लिए ठीक है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। आमतौर पर मारुति की गाड़ियां अपनी सेगमेंट के हिसाब से चलाने में अच्छी ही होती हैं, और वही कहानी फ्रॉन्क्स के साथ भी है। मैं इसकी क्लच की बात करूं या फिर गियर बॉक्स की, दोनों ही काफ़ी स्मूथ हैं। क्लच ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक ठाक गैप है। इसके अलावा सिटी ड्राइविंग में जहाँ पे आपको बार बार गियर्स बदलने पड़ते हैं, तो वहाँ आपको इतनी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब है स्पीड ब्रेकर वगैरह या फिर ट्रैफिक में अगर आप दूसरे गियर पर भी इस गाड़ी को उठाना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंफर्ट की बात करें तो अगर आप खराब सड़कों पर या फिर बिना सड़क के भी गाड़ी चला रहे हो तो इसका सस्पेंशन आपके कंफर्ट का पूरा ख्याल रखता है। साथ ही मैं अगर सीट्स की बात करूं तो ठीक ठाक कंफर्ट आपको सीट्स में मिल जाता है। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक कंफर्ट, एवरेज कंफर्ट सीट्स आपको प्रोवाइड कर देती हैं। इसमें आपको मारुति का पुराना वाला 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो बेस्ट इन सेगमेंट परफॉर्मेंस तो नहीं देता, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस दे देता है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट, मारुति जब भी अपनी कोई गाड़ी बनाता है तो उसके कैबिन को स्पेशियस बनाना नहीं भूलता है, और यहाँ पर भी मारुति ने वही किया है। चाहे फ्रंट रो या फिर रियर रो, आपको लेग रूम या फिर शोल्डर रूम की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। इसकी पीछे वाली सीट पर 3 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा भी नहीं कहता कि 500-700 किलोमीटर तक 3 एडल्ट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अगर वो तीनों कमज़ोर हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं हैं या फिर 100-200 किलोमीटर तक बैठना है तो उन्हें कम्फर्ट जरूर मिलेगा। हालांकि इस गाड़ी की रियर सीट में कुछ कमियां भी हैं जो मैं आपको नेगेटिव्स में बताऊंगा। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज। इस गाड़ी में मिलने वाले दोनों ही इंजन में काफ़ी शानदार माइलेज क्लेम किया जाता है। 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.79 और ऑटोमेटिक में 22.89 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जबकि 1 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.5 और ऑटोमेटिक में 20.01 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसकी सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां हैं, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, महिंद्रा XUV300, किया सोनेट और मारुति की ही ब्रिजा, इन गाड़ियों में कितना कितना माइलेज क्लेम किया जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। असल में कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि फ्रॉन्क्स इस सेगमेंट की गाड़ी है ही नहीं, ये तो पंच की सेगमेंट की गाड़ी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा काइगर या फिर मैग्नाइट से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन नेक्सॉन और वेन्यू ऐसी गाड़ियां तो इसके सेगमेंट के ऊपर आती हैं। असल में आप इस गाड़ी के प्राइसेस उठाकर देखिए तब आपको पता पड़ेगा कि प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी नेक्सॉन और वेन्यू को ही डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रही होती है, ना कि पंच, मैग्नाइट और काइगर को। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉइंट मैं मारुति की किसी गाड़ी में पहली बार देख रहा हूँ, वो है सेफ्टी। असल में इस गाड़ी में जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं वो सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, और जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको मैक्सिमम 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जबकि सेगमेंट की कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि नेक्सॉन, इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिल पाते हैं मैक्सिमम, मैग्नेट में भी 2 मिलते हैं और काइगर में भी मैक्सिमम 4 मिल पाते हैं। बात सिर्फ 6 एयरबैग्स तक सीमित नहीं है। अगर आप इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उठाकर देखेंगे तो मारुति की ही बाकी गाड़ियों से आपको थोड़ी बेहतर नज़र आती है। हालांकि प्लेटफॉर्म इसका वही हार्टटेक वाला ही है जिसने ग्लोबल एनकैप में कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसके सेगमेंट की 4 गाड़ियां हैं जिनका ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट कर चुका है, जिसमें नेक्सॉन और XUV को 5 स्टार्स मिले थे और काइगर और मैग्नाइट को 4 स्टार्स मिले थे। अब देखते हैं कि इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट जब भी होगा तब ये किस तरह से परफॉर्म करती है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी को चलाना या फिर कहीं से निकालना काफ़ी आसान है। मेरा मतलब है कि आजकल ट्रैफिक बहुत होने लगा है, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। इस गाड़ी में आपको मात्र 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, जो कि सेगमेंट का सबसे कम टर्निंग रेडियस है। मतलब कि बहुत कम जगह में आप इस गाड़ी को प्यार मोहब्बत से मोड़ सकते हो। ये गाड़ी बनी भी कुछ इस तरह से है कि लगता नहीं है कि आप एक ऐसी दिखने वाली गाड़ी में बैठे हुए हो, कहीं से भी मक्खन की तरह निकल जाती है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, आमतौर पर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ में जो दूसरा इंजन ऑप्शन होता है उस पर कोई भी ग्राहक ध्यान नहीं देता, सबको टर्बोचार्ज चाहिए होता है। लेकिन इस गाड़ी में 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पावर भी काफ़ी अच्छी जनरेट करता है, 88.5 bhp की। सेगमेंट की बात करें तो जैसे कि मैग्नाइट है, काइगर है, ये 71 bhp की पावर ही जनरेट कर पाते हैं। वेन्यू भी 1.2 लीटर जिसमें 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है वो भी 82 bhp की पावर ही जनरेट कर पाता है। इसलिए इसके दोनों ही इंजन अच्छे हैं और दोनों में ही माइलेज भी काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। सेवन्थ पॉजिटिव पॉइंट, फीचर्स। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको फ्रॉन्क्स में मिल जाते हैं लेकिन सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते, जैसे कि
ऑटोडेम IRVM आपको इस गाड़ी में दिया गया है, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में जैसे कि वेन्यू में, मैग्नाइट में, काइगर में मैनुअल IRVM मिलता है, ऑटो नहीं है। फ्रॉन्क्स के स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब कि टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक फीचर भी दिया गया है, जबकि नेक्सॉन, वेन्यू, XUV300, मैग्नाइट, काइगर, सोनेट, इनमें से किसी भी गाड़ी में ये फीचर नहीं है। आजकल लगभग हर किसी गाड़ी में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन काइगर में नहीं दी गई है, फ्रॉन्क्स में है। इसमें LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं, जबकि सेगमेंट में आने वाली नेक्सॉन, XUV, वेन्यू और मैग्नाइट में LED नहीं है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जबकि मैग्नाइट और काइगर में नहीं दिए गए हैं। इसी तरह से हेड अप डिस्प्ले इसमें दिया गया है, नेक्सॉन, वेन्यू, XUV300, मैग्नाइट, काइगर, सोनेट किसी में भी नहीं मिलता। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 9 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि सेगमेंट की सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जरूर है। सबसे बड़ी तो आपको सोनेट में मिलती है 10.25 इंच की, ब्रेजा में मिल जाती है इसके बराबर ही 9 इंच की, लेकिन नेक्सॉन में सबसे छोटी मिलती है 7 इंच की, XUV में भी 7 इंच की दी गई है, वेन्यू, मैग्नाइट और काइगर इन तीनों में 8 इंच की मिल पाती है। वायरलेस चार्जिंग इसमें दी गई है, जबकि XUV300 में नहीं मिल पाती। पैडल शिफ्टर्स इसमें मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन, काइगर, मैग्नाइट, XUV300 में नहीं मिल पाते। इसी के अलावा इसमें आपको 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन, वेन्यू, XUV300, काइगर, सोनेट में नहीं मिल पाता। 8th पॉजिटिव पॉइंट, देखिए मारुति की गाड़ी है तो कुछ फायदे तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। आप कहीं पर भी चले जाना, किसी का भी सर्विस सेंटर नहीं होगा, लेकिन मारुति का आपको एक बार को फिर भी मिल जाएगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, मारुति की गाड़ियों को रीसेल वैल्यू सबसे बेहतरीन होती है। 2-3 साल चलाने के बाद अगर आप इस गाड़ी को निकालना भी चाहते हो तो काफ़ी कम नुकसान के साथ में आप इसको निकाल सकते हो। 9th पॉजिटिव पॉइंट, जो कि सबसे पहला इंप्रेशन छोड़ती है, वो है लुक्स। इस गाड़ी को आगे से देखो तो ग्रैंड विटारा लगती है, साइड से देखो तो कूप लगती है, और पीछे से देखो तो काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो बॉस लुक्स तो है इस गाड़ी में। तो ये तो होगा इस गाड़ी के सभी छोटे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से कि इस गाड़ी में कमियां क्या क्या हैं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, वैसे तो इसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करता है, लेकिन अगर मैं सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूं तो ये उतना पावरफुल भी नहीं है। इसका इंजन 98.65 BHP की पावर जनरेट करता है, जबकि सेगमेंट में आने वाली नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट 118 BHP की पावर जनरेट करती हैं, ब्रेजा 102 BHP की पावर जनरेट करती है, XUV300 मैक्सिमम 128.73 BHP पावर जनरेट कर सकती है, और मैग्नाइट और काइगर लगभग इस गाड़ी के बराबर ही पावर जनरेट करते हैं 99 BHP की। तो वैसे तो इस इंजन को चलाने में मज़ा आता है, लेकिन अगर सेगमेंट से कंपेयर किया जाए तो इससे भी बेहतर इंजन ऑप्शंस आपके पास हैं। इसी तरह से अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो ये सेगमेंट में ब्रेजा के बाद सबसे कम टॉर्क जनरेट करता है, 147.6 Nm का। सेगमेंट की बाकी गाड़ियां कितना कितना टॉर्क जनरेट कर लेती हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है बूट स्पेस। इस गाड़ी में आपको XUV300 के बाद सबसे कम बूट स्पेस मिलती है, 308 लीटर की। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कितनी कितनी बूट स्पेस मिल जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है, इस गाड़ी की हाइट अपनी सेगमेंट में सबसे कम है, 1550 mm की। हाइट कम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से कैबिन स्पेस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि इस गाड़ी की स्पेस पर पड़ा है। इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक हेडरूम मिलता है, अगर आपकी हाइट 5'10" से ज़्यादा है तो आपके बाल गाड़ी की छत को टच कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाइट कम होने की वजह से यह गाड़ी उतनी एग्रेसिव और स्पोर्टी नहीं लगती जितनी लग सकती थी। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है, पीछे की सीट पर 3 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, उन्हें शोल्डर रूम की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बात की जाए अंडर थाई सपोर्ट की तो उस सीट पर ठीक ठाक ही सपोर्ट मिल पाता है, कोई ज़्यादा कंफर्ट आपको अंडर थाई में नहीं मिल रहा होता है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उनमें बैटरी को ड्राइवर सीट के नीचे रखा गया है, जिसकी वजह से पीछे वाली सीट पर उल्टे हाथ पे जो पैसेंजर बैठता है वो अपने पैरों को आगे वाली सीट के नीचे फैला नहीं पाता। इसलिए 100-150 किलोमीटर के रूट पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली को लेकर 5 बंदे बैठा लकर लंबे रूट पर जा रहे हो तो वहां पर बैठे हुए बंदे का कभी न कभी तो मन मचलेगा कि भाई काश यहाँ जगह होती। 5th नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको XUV300 के बाद में सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 190 mm की। मैं ऐसा नहीं कहता कि 190 mm बहुत कम होती है, एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस होती है 190, और इंडियन रोड्स के हिसाब से, एक SUV के हिसाब से ठीक है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो भाई सेकंड लीस्ट है।
सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी के टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जबकि सेगमेंट में मिलने वाली बाकी गाड़ियाँ जो इससे भी सस्ती मिलती हैं या इसके बराबर मिल रही हैं उनमें बेहतर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जैसे कि मैग्नाइट और काइगर में आपको CVT मिल जाती है जो इससे बेहतर स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है और साथ ही में बेहतर माइलेज भी निकाल सकती है। DCT मिल जाता है आपको वेन्यू और सोनेट में। DCT को स्मूथेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी माना गया है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। सेवंथ नेगेटिव पॉइंट है, आजकल लगभग हर किसी गाड़ी के साथ CNG का ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी के साथ ना तो आपको CNG का ऑप्शन मिलता है और डीजल गाड़ी तो खैर बनाना ही बंद कर दिया है मारुति ने, तो आपके पास सिर्फ सिंगल फ्यूल ऑप्शन है पेट्रोल का। एट्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में पांचों पैसेंजर्स के लिए 3-point सीट बेल्ट दी गई हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव ये है कि जब तक वो पांचों सीट बेल्ट्स अपने हुक में नहीं लगी होंगी, भले ही पैसेंजर्स बैठे हों या ना बैठे हों, तब तक जो सीट बेल्ट अलार्म है वो बजता ही रहता है। सीट बेल्ट अलार्म कितना एनोइंग, कितना इरिटेटिंग होता है वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी जैसे ही चालू होगी, अकेला ड्राइवर ही क्यों नहीं चला रहा हो, पूरी गाड़ी खाली पड़ी हो, तब भी सीट बेल्ट अलार्म बजता ही रहेगा जब तक आप सारी सीट बेल्ट उनके हुक में नहीं लगा देते। हो सकता है जल्दी ही मारुति वाले इस कमी को सुधार दें, या हो सकता है सुधार भी दी गई हो, लेकिन जब ये वीडियो बनाया गया है तब तक तो कमी ये थी। नाइन्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में सेगमेंट का सबसे बेकार वारंटी ऑफर मिलता है आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक का, जबकि नेक्सॉन में 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक का मिल जाता है। वेन्यू, XUV300 और सोनेट में तो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर का मिलता है। काइगर में तक 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक का दिया हुआ है। 10th नेगेटिव पॉइंट है, वैसे तो इस गाड़ी में फुली लोडेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर सेगमेंट की बात की जाए तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो सेगमेंट की किसी ना किसी गाड़ी में दिए गए हैं लेकिन इसमें नहीं मिल पाते, जैसे कि रियर डिस्क ब्रेक्स, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और स्मार्ट स्टीयरिंग, ये आपको XUV300 में मिल जाती हैं लेकिन फ्रॉन्क्स में नहीं मिल पाते। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नेक्सॉन, वेन्यू, XUV300, मैग्नाइट, काइगर, सोनेट सब में मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। नेक्सॉन में अम्ब्रेला स्टोरेज मिल जाता है, इसमें नहीं दिया गया है। XUV, सोनेट और काइगर में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो इसमें नहीं मिल पाते हैं। नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट और मैग्नाइट में आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है जबकि इसमें नहीं दिया गया है। नेक्सॉन, काइगर और वेन्यू में ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं लेकिन इसमें नहीं मिल पाते हैं। वेन्यू में आपको पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है जबकि इसमें नहीं मिल पाती है। इसके अलावा लेदर सीट्स आपको इसमें नहीं दी गई हैं जबकि नेक्सॉन, XUV, मैग्नाइट, वेन्यू और सोनेट में मिल जाती हैं। रियर आर्मरेस्ट इसमें नहीं है जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में दिया गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें नहीं है जबकि नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रिजा, काइगर सब में मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स नेक्सॉन और XUV300 में दिए गए हैं लेकिन इसमें नहीं है। सनरूफ जैसा फीचर नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, XUV300 और ब्रिजा में मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स इसमें नहीं है लेकिन नेक्सॉन और वेन्यू में दिए गए हैं। फॉग लैम्प्स इसमें आते ही नहीं हैं जबकि नेक्सॉन, ब्रिजा, XUV300, मैग्नाइट, सोनेट सब में दिए गए हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें नहीं है जबकि सेमी डिजिटल इसमें दिया गया है, जबकि फुली डिजिटल नेक्सॉन, वेन्यू, मैग्नाइट और काइगर में मिल जाता है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 6 स्पीकर्स दिए गए हैं जबकि नेक्सॉन में 8 मिल जाते हैं और सोनेट में 7 मिल जाते हैं, वो भी बोस के। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स आपको सोनेट और नेक्सॉन में मिल जाती हैं लेकिन इसमें नहीं मिल पाती। तो ये है लंबी चौड़ी लिस्ट उन फीचर्स की जो फ्रॉन्क्स में नहीं है लेकिन सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में तो है। 11th नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में कितना कुछ मिल जाता है और कितना कुछ नहीं मिल पाता ये तो आप इस वीडियो में देख ही चुके, उसके बावजूद भी इस गाड़ी की प्राइसिंग सेगमेंट की कुछ गाड़ियों से ज़्यादा है और कुछ गाड़ियों के बराबर है भी, तो उन गाड़ियों से पैकेज के मामले में ये पीछे है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइज्ड नज़र आती है। सेगमेंट की सभी गाड़ियों की प्राइसिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि प्राइसिंग हर महीने चेंज होती है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे किसी गाड़ी की हो चुकी हो। तो ये थे इस गाड़ी के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट्स में कोई खास दम नज़र नहीं आती है और आपकी प्रायोरिटी पर सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो आप इस गाड़ी को बेझिझक खरीद सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।